इंद्रधनुष मछली। बहुत दूर गहरे नीले सागर में एक मछली रहती थी। यह कोई साधारण मछली नहीं थी, सारे महासागर में वह सबसे सुंदर मछली थी। उसके शल्क यानी स्केल्स अलग अलग प्रकार के नीले और हरे और बैंगनी रंग के थे, और उनमें से कुछ तो चांदी के जैसे सफेद और चमकदार थे। उसकी सुंदरता देखकर बाकी मछलियां चकित हो जाती थी। वह उसे इंद्रधनुष मछली के नाम से बुलाती थी। आओ इंद्रधनुष मछली, वह पुकारती, आओ और हमारे साथ खेलो। लेकिन अपने छिल मिलाते शल्कों का प्रदर्शन करते हुए इंद्रधनुष मछली बड़े गर्व से उनके निकट से निकल जाती और उनसे बात भी ना करती। एक दिन एक नन्ही नीली मछली उसके पीछे पीछे आई। इंद्रधनुष मछली, नन्ही मछली ने कहा, मेरे लिए वेट करो, अपना एक सुंदर चमकीला शल्क मुझे दे दो। तुम्हारे शल्क इतने चमकदार हैं और तुम्हारे पास तो बहुत सारे हैं। तुम चाहती हो कि अपना एक अनोखा शल्क मैं तुम्हें दे दूं? तुम अपने आप को क्या समझती हो? इंद्रधनुष मछली ने चिल्लाकर कहा, दूर हटो यहां से। नन्ही मछली चकित रह गई। वह तैरकर दूर चली गई। वह इतनी दुखी हुई कि उसने अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में बताया। उन सब ने तय किया कि वह इंद्रधनुष मछली के साथ कोई खेल नहीं खेलेंगे। वह जब भी पास आती सारी मछलियां उससे दूर चली जाती। अगर कोई इनकी प्रशंसा नहीं करे और इतने झिलमिलाते चकाचौंध करने वाले शल्कों का क्या लाभ, इंद्रधनुष मछली ने सोचा। अब सारे सागर में वह सबसे अकेली थी। एक दिन उसने अपने मन की व्यथा स्टारफिश को सुनाई। मैं सच में सुंदर हूं, लेकिन कोई मुझे पसंद क्यों नहीं करता? मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती, स्टारफिश ने कहा। अगर तुम मूंगे की चट्टान के आगे एक गहरी गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहां बुद्धिमान ऑक्टोपस मिलेगा, शायद वो तुम्हारी मदद कर पाए। इंद्रधनुष मछली ने गहरी गुफा ढूंढ ली। गुफा के भीतर बहुत अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई न दे रहा था। फिर अचानक उसे दो चमकती हुई आंखें दिखी और उस गहरे अंधेरे से ऑक्टोपस बाहर आ गया। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, ऑक्टोपस ने संजीदा आवाज में कहा। सागर की लहरों ने मुझे तुम्हारी कहानी सुना दी है। मेरा ये विचार है कि हर मछली को तुम अपना एक झिलमिलाता हुआ शल्क दे दो। तुम सागर में सबसे सुंदर मछली तो नहीं रहोगी, पर तुम समझ जाओगी कि तुम किस प्रकार खुश रह सकती हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती, इंद्रधनुष मछली कहने लगी, लेकिन ऑक्टोपस तो गुफा के अंधेरे में पहले ही गायब हो गया था। अपने शल्क दे दूं? अपने झिलमिलाते सुंदर शल्क? कभी नहीं, उनके बिना मैं कैसे खुश रहूंगी। अचानक उसे लगा कि उसे कोई हौले से छू रहा था। छोटी नीली मछली फिर वापस उसके पास आ गई थी। इंद्रधनुष मछली, गुस्सा मत हो, मुझे बस एक छोटा सा शल्क चाहिए। इंद्रधनुष मछली हिचकिचाई। सिर्फ एक बहुत बहुत छोटा सा झिलमिलाता शल्क, उसने सोचा। अरे मेरे छोटे शल्क की कमी मुझे ना ही खलेगी। बड़े ध्यान से इंद्रधनुष मछली ने अपने सबसे छोटा शल्क निकाला और नन्ही मछली को दे दिया। थैंक यू नन्ही मछली, बहुत खुशी से कहा, और झिलमिलाता शल्क अपने नीले शल्कों के बीच में लगा दिया। इंद्रधनुष मछली को एक अनोखा एहसास हुआ। वह देर तक नन्ही नीली मछली को खुशी से पानी में इधर उधर तैरते देखती रही। नन्ही मछली का नया शल्क चमक रहा था। अपने चमकते हुए शल्क के साथ नन्ही मछली सागर में तेजी से दूर तक तैरती चली गई और शीघ्र ही इंद्रधनुष मछली अन्य मछलियों से घिर गई। हर एक को उसका एक चमकता हुआ शल्क चाहिए था। इंद्रधनुष मछली सबको अपने शल्क निकालकर देती रही। जितने अधिक वह अपने शल्क निकाल कर देती, उतनी ही उसकी खुशी बढ़ती जाती।
जब उसके चारों ओर पानी में सुंदर रंग बिरंगे शल्क छिल मिलाने लगे तो उसे लगा कि उन मछलियों के बीच वह बहुत खुश है। आखिरकार इंद्रधनुष मछली के शरीर पर सिर्फ एक ही चमकीला शल्क बचा। अपनी सबसे कीमती चीज उसने खुले मन से दूसरों में बांट दी थी और ऐसा करके उसे बहुत खुशी हो रही थी। आओ इंद्रधनुष मछली, बाकी मछलियों ने कहा, आओ हमारे साथ खेलो। लो मैं आ गई, इंद्रधनुष मछली ने कहा और खुशी से तैर कर अपने मित्रों के पास चली गई।